Hi, I'm Shaniza Hussain from Batulolo Ba, and Mirchi FM is number one in Ba. Mera naam hai Tuate Namaka Nendike. Mirchi FM Julum hai mama. I'm Sharon from Lomolomolo Toka, and I'm a big fan of Mirchi FM. I'm Ravindra Singh from Nambitu Singatoka, and I love Mirchi FM because it always plays hit songs. I'm Safina from Bin Bin Coffee House. I love listening to Mirchi FM, and it's really hot. Mirchi FM, it's hot. नमस्कार, समाचार दर्शन के साथ मैं हूं शहरीन शिवान। मल्टीपल मर्डर कन्विक्ट बिनेश प्रसाद को उम्र कैद की सजा दी गई है, जिसके लिए मिनिमम टर्म 28 इयर्स है। प्रसाद ने 2015 में एक टू फ्लैट घर में आग लगाई थी, जिसमें उनकी पत्नी, बेटी, ससुर तथा एक पति पत्नी जिनकी हाल ही शादी हुई थी की मौत हो गई थी। उम्र कैद की सजा मिलने के बावजूद प्रसाद आज हंसते हुए अदालत से बाहर निकले। उधर फारिया अली के माता पिता अपनी बेटी को याद करके रो रहे थे, जिनकी मौत उनके पति इमरान अली के साथ इस घटना में हुई थी। फारिया की मां जैमुल निशा ने बताया कि उनकी बेटी घटना के दिन उन्हें सरप्राइज देना चाहती थी, जो 2 महीने की गर्भवती थी। ये घटना 15 अक्टूबर 2015 की रात 11:30 बजे घटी, जब प्रसाद ने घर में फ्यूल छिड़क कर घर में आग लगा दी थी। 29 वर्षीय उलेश नीलता, उनकी बेटी 10 वर्षीय कृषिका देवी तथा लता के बुजुर्ग पिता जय नारायण ने भी इस घटना में अपनी जान गंवा दी थी। प्रसाद ने अपनी सास पर भी वार किया था, हालांकि वह घर से बाहर निकलने में सफल रही थी। 19 वर्षीय एक व्यक्ति को आज सुबह मजिस्ट्रेट्स कोर्ट में पेश किया गया, जिस पर पिछले साल दिसंबर में हॉलैंड स्ट्रीट सुबह में 23 वर्षीय एक महिला का बलात्कार करने का अभियोग है। इस सुबह रंगीमा पर बलात्कार के साथ अभियोग, किसी को पीटने तथा लूटमारी का एक अभियोग लगा है। रंगीमा को पिछले बृहस्पतिवार को दिसंबर में नंबुआ में एक लूटमारी में शामिल रहने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसी छानबीन के दौरान पुलिस ने रंगीमा को 23 वर्षीय लड़की के बलात्कार होने वाले मामले के साथ लिंक किया। मामले को हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया है तथा रंगीमा को 24 फरवरी को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। नेशनल इलेक्शंस के लिए जबकि तैयारी शुरू हो चुकी है, ऐसे में इलेक्शंस मिनिस्टर का कहना है कि कुछ ऑपोजिशन एमपीज कई विषयों को पॉलिटिसाइज करके वोटर्स को मिस इन्फॉर्म कर रहे हैं। अय्याज सैयद कयूम का कहना है कि एमपीज प्रोफेसर अभिमान प्रसाद तथा समेसा करवाकी ने भी अभी हाल ही इलेक्टोरल एक्ट में किए गए अमेंडमेंट्स पर डिबेट के दौरान फैक्ट्स को ट्विस्ट करने की कोशिश की थी। सडलपा एमपी समेसा करवाकी ने बहस किया कि सुपरवाइजर ऑफ इलेक्शंस इलेक्टोरल कमीशन का सेक्रेटरी नहीं रह सकता है। हालांकि एजी का कहना है कि करवाकी ये भूल गए हैं कि वे खुद 2006 जनरल इलेक्शंस में इस पद पर थे। एनएफपी ने इस बात पर भी बहस किया कि सैयद कयूम का इलेक्शंस मिनिस्टर पद को संभालना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। सैयद कयूम ने बताया कि इलेक्टोरल एक्ट में अमेंडमेंट्स से 2018 इलेक्शंस और भी अच्छी तरह से किया जा सकेगा। और खेलकूद में फिजी फुटबॉल एसोसिएशन ने सुवा रेप 17 की ह्यूज को उनके फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट रेवा से मिली शिकायत के बाद सस्पेंड कर दिया है। ह्यूज ने डेल्टा टाइगर्स को दोबारा ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्ट शो किया था। हालांकि रेवा साइट के अनुसार ह्यूज ने उनसे $3,000 लागत अफेयर्स और वीजा अरेंज किया था ताकि वे ओएफसी चैंपियंस लीग में खेल सके। हालांकि बाद में उसने सुबह टीम में वापस जाने का निर्णय लिया। नेशनल रेप के भविष्य का फैसला कल किया जाएगा। उधर सुबह फुटबॉल एग्जीक्यूटिव्स ह्यूज को सस्पेंड करने वाले डिसीशन से खुश नहीं है, जबकि उनका मानना है कि ह्यूज ने कुछ गलत नहीं किया है। और ये थे आज के मुख्य समाचार। इन समाचारों को आप हर दिन मिर्ची एफएम और रेडियो फिजी 2 पर सुन सकते हैं। शुभ रात्रि। कबली ताबुआ रहता है, हमारा नाम है रमेश चंद और हमारी मछली के धंधा है और हम सब टाइम रेडियो फिजी 2 सुनता है। रेडियो फिजी 2, देश की धड़कन।